उसके गिर्द जो कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, या आप यूं समझ लें कि सेल की जो ओवरऑल कवर करने वाली चीज जो फ्लूइड को कंटेन करके रखती है और उसकी तमाम चीजों को एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स सेल मेम्ब्रेन इज एक्सटीरियर मोस्ट पार्ट, यानी कि सबसे बैरूनी जो सतह होती है, सबसे बैरूनी जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन है। जबकि प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल होती है, और सेल वॉल की हमने खसूसियात पढ़ी या उसकी टाइप्स पढ़ी कि सेकेंडरी प्राइमरी एंड मिडिल लमेला। सो अगर दो सेल्स को हम इकट्ठा रख के देखें तो उनके जो दरमियान में जो लेयर होगी, यानी दो सेल्स के दरमियान में, वो मिडल लमेला होगी। उसके अंदर की तरफ यानी कि सेल वाली साइड पे, दोनों साइडों पे प्राइमरी सेल वॉल होगी, देन सेकेंडरी सेल वॉल, देन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी। सो सेल मेम्ब्रेन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, प्रोटीन चैनल्स और ग्लाइकोलिपिड्स इसमें मौजूद होते हैं। मोस्टली जो ये सरफेस है इसकी इस तरह से होती है। इसके बारे में दो हमारे पास मॉडल्स पाए जाते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हैं। पहला मॉडल जो डेवलप किया गया या डिस्क्राइब किया गया दैट इज फॉस्फोलिपिड बाईलेयर मॉडल। ये यहाँ पे आप ये पिक्चर यहाँ देख रहे हैं, ये वाली फॉस्फोलिपिड बाईलेयर की। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक फॉस्फे जो लिपिड्स की लेयर है और उसके अंदर प्रोटीन्स, नीचे अंदरली साइड पे प्रोटीन्स मौजूद हैं और ऊपर उसके फॉस्फेट की लेयर है। ये एक फॉस्फोलिपिड बाईलेयर सैंडविच मॉडल है जिसमें फॉस्फोलिपिड बाईलेयर के अंदर प्रोटीन सैंडविच होती हैं। ये एक ओल्ड मॉडल है, जबकि न्यू मॉडल ये कहता है, जो आप ऊपर मॉडल देख रहे हैं, कि प्रोटीन्स, ये ब्लू स्ट्रक्चर जो हैं, ये प्रोटीन्स हैं। सो ये प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं इस फॉस्फोलिपिड बाईलेयर के अंदर। फ्लूइड मोजैक मॉडल और दूसरा जो मॉडल है हमारा दैट इज फॉस्फोलिपिड बाईलेयर मॉडल सैंडविच मॉडल है। सैंडविच मॉडल ये प्रपोज करता है कि हमारी जो फॉस्फोलिपिड बाईलेयर है उसके बैरूनी सतह पे लिपिड्स हैं और अंदरूनी सतह पे प्रोटीन्स हैं। जबकि जो फ्लूइड मोजैक मॉडल है वो ये कहता है कि फॉस्फोलिपिड बाईलेयर मौजूद है और उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड हैं, जिस तरह से बीड्स एम्बेड करते हैं हम किसी शीट के अंदर। तो वो एक मोजैक मॉडल डेवलप होता है। इसी तरह से हमारे पास प्रोटीन मौजूद फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोटीन यहाँ पे मौजूद हैं। प्रोटीन्स और लिपिड्स की एक खास रेशो मौजूद होती है, इसकी प्रॉपर एक कंपोजिशन है। तो अगर हम सेल को ऑब्जर्व करें, सेल की मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किया जाए, तो इट कंटेन्स अबाउट 40% ऑफ लिपिड्स एंड 60% ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन ये इसमें काफी वेरिएशन हो सकती है, 20 to 75% वेरिएबल है लिपिड्स की मिकदार, डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो जो बायोकेमिकल कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की, इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। द कार्बोहाइड्रेट टाइप दैट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन इज ग्लैक्टोज, देन प्रोटीन्स। द प्रोटीन्स दोज आर इन्वॉल्व इन सेल मेम्ब्रेन आर मोस्टली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं
जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं. दोज आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. देन देर आर लिपिड्स. तो लिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, दोज आर फॉस्फोलिपिड्स आर कोलेस्ट्रोल. सो ये लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं. इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन. ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं जी? ग्लाइकोप्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं. सो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ये इंडिपेंडेंट भी मौजूद होते हैं और कार्बोहाइड्रेट के साथ कम्बिनेशन में भी मौजूद होते हैं. तो ओवरऑल इन्हें हम जो कम्बिनेशन में मौजूद होते हैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के, अगर कार्बोहाइड्रेट ने प्रोटीन के साथ स्ट्रक्चर बनाया है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगी, अगर लिपिड के साथ स्ट्रक्चर बनाया है तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा. मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अगर हम विजुलाइज करें, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया, तो हमारे पास दो किस्म के मॉडल्स हैं, और जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोजैक मॉडल. जो ओल्डर मॉडल है, पुराना मॉडल है, जो 1935 में जेफसन एंड डेनेले ने प्रपोज किया था, दैट वाज यूनिट मेम्ब्रेन. एंड अकॉर्डिंग टू देम ये एक सैंडविच मॉडल है जिसमें प्रोटीन्स की सिलिका बीड्स, फास्फोलिपिड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं. तो ये एक मॉडल था, बट दिस वाज रिजेक्टेड एंड अ न्यू मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. सो अकॉर्डिंग टू देम सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बाई लेयर है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एम्बेडेड हैं. तो ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं, कर्सर मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, दिस इज सैंडविच मॉडल. इसमें ये प्रोटीन चैनल्स बने हुए हैं. प्रोटीन्स ये लिपिड्स की बाई लेयर है जो ऑरेंज कलर की है, और उसके अंदर एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. सो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अगर किसी प्रोटीन के साथ मिला हुआ है तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कह देते हैं. अगर कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच्ड है विद लिपिड मॉलिक्यूल उसे हम ग्लाइकोलिपिड कह देते हैं. तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटर साइड ऑफ सेल एंड इनर साइड ऑफ सेल. सो दोनों साइड्स पे लिपिड मौजूद है. लिपिड इसको वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, लिपिड एक रेजिस्टेंट का वर्क प्ले करता है, रोल प्ले करता है, कि क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है. सो ये वाटर को रिपेल करता है, तो वाटर को इतनी आसानी से सेल के अंदर दाखिल नहीं होने देता. इसमें सिर्फ उस जगह से पानी दाखिल हो सकता है जो जगह पानी के लिए बनाई गई है, जिसे हम वाटर चैनल कह सकते हैं. सो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, दोज आर यूज टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल आर आउटसाइड ऑफ द सेल. कि सेल के अंदर अगर पानी ने आना है तो उसके लिए एक खास प्रोटीन का चैनल मौजूद होगा, और अगर पानी ने सेल से बाहर जाना है तो एक खास किस्म का चैनल मौजूद होगा. तो ये वाटर की मूवमेंट इसको कंट्रोल करता है, और इसी तरह से हर काइंड के पार्टिकल की मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड प्रोटीन चैनल्स उसको मॉनिटर करते हैं. एग्जाम्पल मैं उसकी अगर दूं, तो अगर सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो गई है, उसको बाहर निकालने के लिए सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर प्रोटीन चैनल्स यूज होते हैं जो सोडियम को एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम सेल
टू दी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस। इसी तरह से सेल के अंदर कोई चीज अगर इम्पोर्ट करनी है, लाइक कैल्शियम अगर इम्पोर्ट करना है, तो देर आर कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले सेल उनको सेंस करता है एंड देन दोज मॉलिक्यूल्स आर एंटर्ड इनटू द सेल। सो इस तरह से इसके बिहेवियर को सेल के तमाम चीजों को कंट्रोल किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स फर्स्ट सिक्योरिटी चेक एट दिस प्लेस। सो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में सबसे पहले जो फंक्शन जैसे मैंने डिस्क्राइब किया पहले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है। सो ये सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की इजाजत देती है या उनको बाहर आने की इजाजत देती है। सो इसकी परमीएबिलिटी सिलेक्टिव है एंड इट मेक्स इट वेरी स्पेशल। सो कुछ मॉलिक्यूल्स वो अलाउ होते हैं वहां से पास होने में और कुछ मॉलिक्यूल्स उनको स्टॉप कर दिया जाता है, उन्हें एंटर नहीं होने दिया जाता। सो ऑस्मोसिस का प्रोसेस इसमें हो सकता है, ऑस्मोसिस अलाउड है। वाटर डिफ्यूज करता है, इट कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, बट अगेन इट्स मूवमेंट इज कंट्रोल्ड अ बिट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जितनी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, मींस एक्सक्लूजन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस के अगर नॉर्मल जो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का, उसमें कोई भी जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के मुताबिक, यानी जहां कंसंट्रेशन सॉल्यूट की हाई है सॉल्वेंट उस तरफ मूव करता है, लेकिन देयर आर सर्टेन पंप्स, आप उन्हें पंप कह लें, जैसे मैंने नाम लिया एंटीपोर्टर चैनल, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर चैनल। ये अगर सेल के बाहर सोडियम की मिकदार ज्यादा है, उसके बावजूद सेल से बाहर सोडियम को निकाल रहा है, तो इट रिक्वायर्स एनर्जी। जिस तरह से ग्राउंड से वाटर पंप करते हैं, अब ग्रेविटी नीचे है, ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर हमने पानी को बाहर निकालना है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी। इसी तरह से सेल में कंसंट्रेशन ज्यादा होने के बावजूद, सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होने के बावजूद, उसको अगर आप एक्सक्लूड करते हैं, उस प्रोटीन को, उस कोई भी चीज, कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूट, उसको आप बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इट रिक्वायर्स एनर्जी। सो दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड थ्रू एटीपी मॉलिक्यूल्स। सो दिस type of transport of molecules is called as active transport. ये कुछ signaling molecules जिनको बाहर export किया जाता है, एक cell से दूसरे cell में जब भेजा जाता है, तो a sort of active transport is used and certain protein channels are used in this process. Cell इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है वो पार्टिकल्स को एंगल्फ करने में, फ्लूइड्स को एंगल्फ करने में या एंडोसाइटोसिस में हेल्प करती है, और फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करती है। इसी तरह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये कम्युनिकेशन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिस तरह से सिग्नलिंग है के एक कम्युनिकेशन दो सेल्स का, यानी प्लांट्स के अंदर है या एनिमल्स के अंदर है, तो सेल्स कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। एक सेल अगर कोई सिग्नल परसीव कर रहा है तो वो सिग्नल दूसरे सेल की तरफ भेजे जाते हैं, और दीज सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सेल
किसी केमिकल की फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक एब्सिसिक एसिड सपोज प्रोड्यूस होता है. एब्सिसिक एसिड इज अ सिग्नल, हम सपोज करते हैं कि ये सिग्नल है फॉर एब्सिसियन के पत्ते झड़ने हैं, पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं. पत्ते क्यों झड़ते हैं? बिकॉज एब्सिसिक एसिड कंसंट्रेशन इज हाई इन पेडिसल, एट द जंक्शन ऑफ पेडिसल ऑफ अ लीव. सो अब वहां पे एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ी, एब्सिसिक एसिड के सिग्नल्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, एंड दीज एब्सिसिक एसिड सिग्नल्स पास फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल एंड सेंडिंग मैसेज दैट दिस इज अ टाइम टू शेड योर लीव्स. सो इस तरह से ये एक प्रोसेस चलता है, एक सेल दूसरे सेल को बताता है, और बताने का जरिया उसमें केमिकल्स की ट्रांसफर है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स. लाइकवाइज जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, सिग्नलिंग होती है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, और उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स वो असेस करती हैं, उसको अंडरस्टैंड करती हैं. जो प्रोटीन्स उन सिग्नल्स को रिसीव करती हैं उन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है, और ये रिसेप्टर्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं. सेल मेम्ब्रेन में जैसे हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा था कि फोटो में देखें आप, इस इमेज में यहाँ पे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिखाए गए. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो एम्बेडेड हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर का काम करते हैं. कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अटैच होता है, जैसे मैंने कहा कि किसी भी चीज की मूवमेंट का, किसी भी चीज की इन आउट मूवमेंट का कंट्रोल सेल की मेम्ब्रेन में मौजूद है, और वो कंट्रोल करने वाली चीज प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन्स के साथ जब कोई कोई भी मॉलिक्यूल अटैच होता है तो प्रोटीन की हैयत, उसकी शक्ल, उसकी शुबाहत, उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है. जब उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है तो उसके साथ अटैच्ड कोई चीज वो रिलीज हो सकती है. हम सपोज करते हैं, आप यूं देखें कि इस हाथ में मैंने, अगर ये मैंने ये कोई चीज पकड़ी हुई है हाथ में, ये मैंने ऐसे बंद किया हुआ. अब ये आप इसे प्रोटीन सपोज करें, और इसके साथ ये मॉलिक्यूल जो है ये कोई एक्टिव मॉलिक्यूल है जिसने आगे जाके फंक्शन करना है. तो ये प्रोटीन के साथ अटैच है, प्रोटीन की शेप है, उसने ऐसे इसको बंद किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है. अगर यहाँ आके एक दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होता है, whether it is a protein or any other chemical, वो जब इसके साथ अटैच होता है तो ये प्रोटीन अपनी शक्ल चेंज करती है, ये इस तरह से चेंज करेगी, और जो मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच था वो मॉलिक्यूल इस तरह से गिर जाएगा, यानी कि उससे रिलीज हो जाएगा. जो मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ है प्रोटीन से, वो मॉलिक्यूल कहीं जाके फंक्शन कोई करेगा, ये किसी और चीज के साथ अटैच होगा, ये एक चेन चलेगी, ये एक प्रोसेस थ्रू होगा. तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स, इस तरह के प्रोसेसेस को हम सिग्नलिंग कहते हैं. बिकॉज सिग्नल क्या होता है कि एक इशारा, एक निशानी आप बताते हैं. तो एक मॉलिक्यूल ने आके इशारा किया, ये उसको पैगाम पहुंचाया, उसने अपने पैगाम को आगे ट्रांसमिट कर दिया, यानी कि एक मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया, वो मॉलिक्यूल जाके किसी और के साथ अटैच होगा, एंड इट विल रन लाइक अ चेन, इस तरह से चलती चलती कंटिन्यूअसली ये जाके फाइनल फंक्शन परफॉर्म होता है. तो इस तरह के मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने के लिए प्रोटीन्स मौजूद होती हैं सेल मेम्ब्रेन में. सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं, वो रिसीव करती हैं सिग्नल्स को, सिग्नल्स रिसीव करने के बाद आगे रेस्पॉन्स देती हैं. आप ये एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का. सेल मेम्ब्रेन जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, जैसे कि हीट आ रही है तो हीट को सेंस करने के लिए प्रोटीन्स हैं, कोई केमिकल चेंज आ रही है एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, तो उनको भी डिटेक्ट करती हैं ये प्रोटीन्स,
और बाहर के माहौल को सेंस करने के बाद सेल के अंदर उसके मैसेजेस को पहुंचाते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ये प्रोटीन्स इस तरह से एम्बेडेड हैं, और आप यूं समझें कि इस प्रोटीन का एक सिरा सेल के बाहर है और दूसरा सिरा सेल के अंदर, यानी एक सिरा सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे है और दूसरा सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे है। तो जब उसके बाहर वाली साइड पे कोई चीज अटैच होती है तो उसके अंदर वाला सिरा, सेल के अंदर वाला सिरा प्रोटीन का, वो अपनी हैयत को, अपनी शक्ल को, अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करता है। जब वो अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करता है तो उसके साथ या कोई चीज अटैच हो जाती है या उससे कोई चीज रिलीज होती है। जब उससे कोई चीज रिलीज होती है तो ये रिलीज होने वाली चीज आगे जाके किसी और मॉलिक्यूल के साथ, किसी और प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करती है, रिएक्शन करती है, और ये फिर एक चेन चलती रहती है। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं, दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का बड़ा अहम जुज होती हैं। तो इस तरह से ये एक सिग्नलिंग का नेटवर्क स्टार्ट होता है। तो अगर ये प्रोटीन्स डिसेबल हो जाए किसी तरह से, या किसी तरह से इनमें कोई म्यूटेशन हो जाए, या ये प्रोटीन्स फंक्शनल ना हो, तो डेफिनेटली सेल की सिग्नलिंग मुतासर होती है और अल्टीमेटली सेल अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकता। सो सेल मेम्ब्रेन का इंटैक्ट होना और सेल मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स का फंक्शनल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस वाज अ बिट अबाउट सेल मेम्ब्रेन। तो इस